ई कंटेंट का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे पास हमेशा एक कंप्यूटर हो। ई कंटेंट को हम डिफरेंट डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम ई कंटेंट बना सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम ई कंटेंट बना सकते हैं। सबसे सरल है इमेज फॉर्मेट, यानी कि चित्र। साइंस में हम चार्ट्स के माध्यम से जैसे स्टूडेंट्स को चित्र दिखाकर पढ़ाया करते हैं, उसी तरह से हम इमेजेस को सर्च करके उन्हें डाउनलोड कर और सेव कर सकते हैं और उनको क्लासरूम में हम यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस हमारे हो सकते हैं JPEG फॉर्मेट, GIF फॉर्मेट और PNG फॉर्मेट्स। इन फॉर्मेट्स की चर्चा हम डिटेल में और भी करेंगे और इमेजेस को कैसे डाउनलोड करें और कैसे सेव करें और कैसे ट्रांसफ़र करें, इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम केवल फॉर्मेट्स देख रहे हैं कि क्या क्या फॉर्मेट्स में ई कंटेंट बन सकता है। इमेजेस के अलावा हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। हाँ, हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि राजस्थान में ICT लैब्स में हमें जो कंप्यूटर्स मिले हैं उन सभी में ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड है और वह भी लाइसेंस्ड। तो हमें ऑफिस 2007 का ही उपयोग करना है, ना कि उससे पहले के वर्जन्स। अगर हम 2007 से पहले के यानी कि 2003 के वर्जन को या 2000 को यूज़ करते हैं तो हमारी फाइल बनती है PPT फॉर्मेट में, और 2007 या हायर वर्जन्स जब यूज़ करते हैं तो फाइल बनती है PPTX या फिर PPSX। ये जो X एक्सटेंशन है ये 2007 और हायर वर्जन्स के लिए है। हमें इन्हीं का यूज़ करना है क्योंकि एक PPT के कंपैरिजन में एक PPTX की फाइल बहुत छोटी होती है, डिस्क स्पेस कम लेती है और हमें कम से कम जगह में ज़्यादा लेसन्स देने में सुविधा रहती है। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें कि ऑफिस 2007 या हायर वर्जन लें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। हम ई कंटेंट को टेबल्स और ग्राफ्स के रूप में भी बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में हमें कई बार टेबल्स और ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बड़े आसानी से एक्सेल में बन जाते हैं और ये भी ई कंटेंट का काम कर सकते हैं। हम बात करें मैप्स की, ज्योग्राफी टीचर, हिस्ट्री टीचर, कई बार पॉलिटिकल साइंस में कई जगह हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ जाती है और मैप्स बड़े ईजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। हमें केवल सर्च करना है और सूटेबल मैप को डाउनलोड कर सेव करना है। ये बहुत अच्छा क्लासरूम एड के रूप में हमारी सहायता कर सकता है। ऑडियो फॉर्मेट्स, लेसन्स हमेशा देखकर ही नहीं बल्कि कई बार सुनकर भी समझे जा सकते हैं और ऑडियो डिवाइसेस बहुत सस्ते और इजीली अवेलेबल होते हैं, बच्चों के घरों में भी कई बार होते हैं, तो हमें इनको भी अपने ई कंटेंट में शामिल करना चाहिए। वीडियो फॉर्मेट्स, वीडियोस हम AVI फॉर्मेट या WMV फॉर्मेट में बना सकते हैं और अगर कम स्पेस में बनाना चाहते हैं तो MP4 और F4B, FLV ये सभी फॉर्मेट्स बड़े आसानी से कंप्यूटर्स में और DVD प्लेयर्स में चल जाते हैं। फ्लैश फाइल्स, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम स्पेस में हम ज़्यादा कंटेंट दे सकते हैं इसमें। PDF फाइल्स, ये भी ई कंटेंट के लिए बहुत सूटेबल ऑप्शन है, इसमें हम मल्टीमीडिया यानी कि ऑडियो और वीडियो को भी शामिल कर सकते हैं और उसके बिना भी, विद मल्टीमीडिया और विदाउट मल्टीमीडिया दोनों ही पॉसिबल हैं।